अभी हमने देखा प्राइमरी की क्या होती है, अब उसको हम क्रिएट करते हैं कोई ऐसा कॉलम जिसको हमें प्राइमरी की के अंदर लेना है। जैसे हमारे पास एक डाटाबेस है मेटाजोन, क्या है डाटाबेस मेटाजोन, इसके अंदर एक टेबल बनानी है हमें स्टूडेंट इन्फो, स्टूडेंट इन्फो और कुछ कॉलम रखने हैं और उसमें से एक को प्राइमरी की बनाना है। कॉलम जैसे इसमें होने चाहिए रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स, रोल नंबर नेम एंड मार्क्स, और हमें इस रोल नंबर को प्राइमरी की भी बनाना है, राइट। तो सिंटेक्स क्या होगा इसका, ऐसे लिखेंगे क्रिएट, नॉर्मल आप लोगों ने टेबल बनाई भी है तो सिंटेक्स सेम ही चलेगा, डिफरेंस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्रिएट टेबल, टेबल नेम है क्या स्टूडेंट इन्फो, टेबल नेम स्टूडेंट इन्फो, ब्रैकेट स्टार्ट, यहां पे आएगा रोल नंबर, कॉलम नेम कि कॉलम का नेम क्या रखना है, देन स्पेस इंट स्पेस, इसे क्या लिख देंगे आप क्या प्राइमरी की, यहां पे लिखेंगे प्राइमरी की कोमा, सेकंड हमारे पास नेम, डाटा टाइप देंगे इसको वेयर केयर, साइज दिया 20 कोमा, नेक्स्ट हमारे पास मार्क्स स्पेस इंट ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन एंटर, इससे क्या होगा एक टेबल बनेगी आपके पास और उसमें जो रोल नंबर है वो एज ए प्राइमरी की बन जाएगा। दैट मींस अगर आप उसमें इन फ्यूचर बाद में यूज करते हैं और वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो नल इंसर्ट करेंगे तो एरर आएगी, अगर डुप्लीकेट वैल्यू डालेंगे तो भी एरर आएगी, राइट। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्रिएट, क्रिएट टेबल, टेबल नेम स्टूडेंट इन्फो, स्टूडेंट इन्फो, ब्रैकेट स्टार्ट, यहां पे लिखा हमने रोल नंबर स्पेस इंट, अभी यहां पे हमने प्राइमरी की नहीं लिखने हैं, इसके बाद लिखा कोमा नेम स्पेस डाटा टाइप वेयर केयर ब्रैकेट में साइज कोमा मार्क्स ब्रैकेट में स्पेस इंट, उसके बाद कोमा, लास्ट में लिखेंगे हम प्राइमरी की, प्राइमरी की ब्रैकेट में लिखेंगे कि इनमें से कौन से कॉलम को हमें प्राइमरी की बनाना है। पहले क्या किया हमने क्रिएट टेबल, टेबल नेम और जितने भी कॉलम बनाने थे सबको डिक्लेयर कर दिया ओके डेटा टाइप के साथ, राइट। लास्ट में लिखेंगे प्राइमरी की ब्रैकेट में उस कॉलम का नाम जिसको हमें प्राइमरी की बनाना है, यहां पर लिखा हमने रोल नंबर, क्या लिखा रोल नंबर ब्रैकेट क्लोज योली ब्रैकेट क्लोज मिन ब्रैकेट सेमीकोलन एंड एंटर, इससे भी सेम होगा जो इसने किया, एक टेबल क्रिएट होगी प्लस जो रोल नंबर है वो एज एन प्राइमरी की कंसीडर होगा, राइट। तो इससे क्या हुआ एक टेबल बनी हमारे पास रोल नंबर नेम एंड मार्क्स, डन। अगर आपने ऐसे लिखा यहां पे वन नेम डाला कुछ भी रवि और मार्क्स जो हम इंसर्ट करेंगे, उसके बाद यहां पे अगर दोबारा वन डालेंगे तो आपको वो एरर दे देगा बिकॉज प्राइमरी की जो वाला कॉलम डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेता है, अगर हम नल लिखते हैं आप तो भी एरर आएगी, क्लियर। तो प्राइमरी की वाला कॉलम ना ही तो नल स्टोर करेगा और ना ही डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर करेगा। ये देखा हमने कि जब हम क्रिएट करेंगे तो प्राइमरी कैसे बनेगी। सपोज हमने एक टेबल बनाई है, एक टेबल और है हमारे पास स्टूडेंट मार्क्स की, स्टूडेंट मार्क्स, इसके अंदर भी क्या है रोल नंबर नेम और मार्क्स है, क्या है चलो दो कॉलम ले लेते हैं नेम और मार्क्स। अब हमें इसमें क्या करना है कि एक कॉलम ऐड करना है, क्या करना है एक कॉलम ऐड करना है प्लस उसको प्राइमरी की भी बनाना है। यहां पे हमने क्या किया जब टेबल बनाई उसी टाइम हमने एक कॉलम क्रिएट कर दिया प्लस उसको प्राइमरी की बना दिया। अब क्या था कि एक टेबल हमने बना चुके हैं हम लोग बट एक नया कॉलम ऐड करना है और उसको प्राइमरी की भी बनाना है, तो हम क्या करते हैं नया कॉलम ऐड करने के लिए, हमने स्टडी किया हुआ ये कि कोई टेबल ऑलरेडी प्रेजेंट है और उसमें हमें एक नया कॉलम ऐड करना है तो हम लोग यूज करते हैं ऑल्टर कमांड, रिमेंबर। तो हम लोग यूज करेंगे यहां पे ऑल्टर टेबल, टेबल नेम हमारी कौन सी स्टूडेंट इन्फो, स्टूडेंट इन्फो, देन हमें अगर नया कॉलम ऐड करना है
तो यहां पे लिखेंगे हम एड कॉलम, एड कॉलम, उसके बाद कॉलम नेम आएगा रोल नंबर, स्पेस डाटा टाइप इंट, और स्पेस के बाद प्राइमरी की, स्पेस प्राइमरी की, सेमीकोलन, देन एंटर। क्या लिखा है यहां पे? ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम, कि हमें एक कॉलम ऐड करना है और उसको प्राइमरी की भी बनाना है, तो सेमीकोलन एंटर। जैसे आप ये करेंगे तो इस टेबल में एक कॉलम ऐड हो जाएगा रोल नंबर, और वो प्राइमरी की भी होगा, राइट। तो ये दो तरीके हैं जिसकी हेल्प से हमने प्राइमरी की बनाया। कुछ और भी हैं, वो भी आगे स्टडी करेंगे। अभी हमने स्टडी किया कि हम प्राइमरी की कैसे बनाते हैं, तो दो तरीके हैं। या तो हम डायरेक्टली स्टार्टिंग में जब टेबल बनाएंगे तो बना सकते हैं किसी कॉलम को प्राइमरी की, या फिर एक टेबल ऑलरेडी प्रेजेंट है और उसमें हमने एक कॉलम बनाना है और उसको प्राइमरी की बनाना है। तो फर्स्ट देखते हैं कि स्टार्टिंग में जब टेबल क्रिएट करेंगे तो प्राइमरी की कैसे बनेगी। हमने टाइप किया क्रिएट, क्रिएट टेबल, टेबल नेम स्टूडेंट इन्फो, एक टेबल बनानी है स्टूडेंट इन्फो के नाम की। कॉलम चाहिए उसके अंदर रोल नंबर, रोल नंबर डाटा टाइप इंट, स्पेस, अब यहां पे आप लिख सकते हैं प्राइमरी की, प्राइमरी की कॉमा, सेकंड कॉलम चाहिए नेम, फिर चाहिए डाटा टाइप उसका वैक है, ब्रैकेट, साइज। जैसे हमने प्राइमरी की यहां पे लिखा है, अगर आप यहां नहीं लिखते हैं तो स्टार्टिंग में एंड में लिख सकते हैं इसको हम यहां पे, फिर ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, एंटर, क्वेरी ओके, जीरो अफेक्टेड, मतलब हमारी टेबल बन चुकी है। चेक करते हैं इसको, डिस्क्राइब स्टूडेंट इन्फो, सेमीकोलन, एंटर। देखिए रोल नंबर एक फील्ड है और एक नेम फील्ड है, यहां पे नल, नो की प्राइमरी की। अब डाटा इंसर्ट करते हैं इसमें, कुछ रूल्स हमने स्टडी किए थे कि ये नल वैल्यू अलाउड नहीं करता या डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेता, तो चेक कर लेते हैं। हमने लिखा इंसर्ट, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट इन्फो वैल्यूज, पहले लिख दिया नल, कॉमा कोई नेम दे दिया, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, एंटर। देखिए एरर, कॉलम रोल नंबर कांट बी नल, कि नल वैल्यू स्टोर नहीं होगी इसमें। अब नल के जगह कुछ और लिखते हैं हम, यहां पे लिख दिया वन, एंटर, तो क्वेरी ओके, वन अफेक्टेड। अगेन इसको एक एग्जीक्यूट करते हैं तो भी एरर आएगी आपके पास, क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड नहीं करता ये। अब डाटा चेक करते हैं, हमने लिखा सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो, सेमीकोलन, एंटर। तो इसमें सिर्फ एक डाटा आया है, वन एंड रवि। सेकेंड था कि अगर कोई टेबल पहले से प्रेजेंट है और उसमें कॉलम ऐड करना है और उसको प्राइमरी की बनाना है, तो टेबल है हमारे पास स्टूडेंट नाम की, हमने लिखा डी एस डिस्क्राइब स्टूडेंट, सेमीकोलन, एंटर। अब तीन कॉलम इसके अंदर, फर्स्ट नेम, फिजिक्स मार्क्स एंड मैथ मार्क्स। इसी टेबल के अंदर हमें एक कॉलम ऐड करना है रोल नंबर नाम का और उसको प्राइमरी की बनाना है, तो हम टाइप करेंगे अल्टर, अल्टर टेबल, टेबल नेम हमारी स्टूडेंट, ऐड कॉलम, कॉलम ऐड करना है रोल नंबर नेम, रोल नंबर है जो उसका नाम है कॉलम का, स्पेस डाटा टाइप इंट, स्पेस इसी को हमें प्राइमरी की बनाना है, सेमीकोलन, एंटर, क्वेरी ओके, जीरो अफेक्टेड। डेट मीन्स हमने इसमें कॉलम ऐड कर दिया है और उसको प्राइमरी की बना दिया। चेक कर लेते हैं, हमने लिखा डिस्क्राइब स्टूडेंट। अब देखिए पहले यहां पे रोल नंबर नहीं था, रोल नंबर आ गया, प्लस नल नॉट अलाउड, प्राइमरी की है प्राइमरी की। तो ये दो तरीके हैं प्राइमरी की बनाने के, या तो स्टार्टिंग बना सकते हैं या तो टेबल क्रिएट करेंगे, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, देन रोल नंबर एंड प्राइमरी की, स्पेस अनदर कॉलम, या फिर एक टेबल पहले से प्रेजेंट है उसमें कॉलम ऐड करना है रोल नंबर, तो हमने लिखा ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम रोल नंबर, स्पेस एंड, स्पेस प्राइमरी की। तो इनको एग्जीक्यूट करें और रिजल्ट देखें। ऑल द बेस्ट।